हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी वायर यूट्यूब चैनल। और ये अपना लेक्चर नंबर 3 है जो कि घातांक करणी का होगा। जिन लोगों ने पहला और दूसरा लेक्चर नहीं देखा है, ठीक है, और तीसरा लेक्चर, शायद 3 लेक्चर हो चुके हैं ना, तो जिन लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखे आप उन लेक्चरों को देख लीजिए, ठीक है। तो हमने उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी करा रखी है, कम से कम हर एक लेक्चर में 6 से 7 टाइप करा रखे हैं, तो उसमें हम आगे का पढ़ेंगे। परंतु अगर जिन लोगों का बेस अच्छा नहीं है तो कोई बात नहीं, आप उन लेक्चरों से कर सकते हैं, बाकी हम आगे चीज़ें देख रहे हैं, ठीक है। और लेक्चर हम ये बोल सकते हैं कि काफ़ी कुछ हम इसमें देखेंगे, 6 से 7 टाइप, ठीक है। तो आपको हर एक क्वेश्चन ये बोल सकते हैं कि जो हम चीज़ें इसमें पढ़ेंगे ये एग्जाम पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में से एक होंगे, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं यार। तो देखो, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि यदि हमें मान लो x बराबर से दे रखा है 5 + 2√6, ठीक है, समझना कि x = 5 + 2√6 घातांक करनी पड़ रहे हैं, और हमसे यहाँ अगर वैल्यू पूछ लेते कि 1/x = क्या होगा, ठीक है, समझना जो चीज़ें मैं समझाना चाह रहा हूँ कि x बराबर से 5 + 2√6 है, 1/x = ये हमसे पूछा गया है। तो करना क्या है यार, सबसे पहले ये देखो कि अगर एग्जामिनर इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ लॉजिक लग रहा होगा, और क्या लॉजिक लग रहा होगा उस चीज़ पर नोटिस करिए। तो करना क्या है, यहाँ पर जब ये दो पार्ट में बटा हुआ हो अलग अलग, तो हमें क्या करना है, इस अकेले पार्ट का वर्ग करोगे, 5 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 25। फिर इस पूरे पार्ट का स्क्वायर करना है, इस पूरे पार्ट का स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना, 4। करनी 6 का स्क्वायर करोगे तो कितना बचेगा, 6, तो 6 चौक कितना हो जाएगा, 24, 6 × 4 = 24। क्या चीज़ समझ पा रहे हैं, जब इस पूरे का स्क्वायर करेंगे, 2√6 पूरे का हम अगर वर्ग कर दें तो 2 का वर्ग हो जाएगा 4, और करनी 6 का वर्ग, वर्ग से करनी कट जाएगी, बचा कितना, 6, तो 6 चौक कितना, 24। क्या चीज़ समझ पाया, तो हमने इस पूरे का वर्ग करा तो कितना आ गया, 24। और जब इन दोनों के बीच अगर 1 का अंतर हो, डिफ्रेंस कितने का हो, 1 का हो, तो हमेशा और हमेशा क्या करा, ये देखो x की वैल्यू ये दे रखी है, इसका वर्ग करा 25, इसका वर्ग करा 24, इन दोनों के बीच डिफरेंस अगर 1 का है तो x का जस्ट रेसिप्रोकल अगर हम निकालेंगे, ठीक है, उल्टा, या जिसको व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं, तो उसका मान हमेशा और हमेशा यहाँ प्लस लगाए तो यहाँ क्या जाएगा, माइनस, तो 5 - 2√6 हो जाएगा। क्या ये चीज़ समझ पा रहे हैं आप। तो अगला देखो, अगर मैं यहीं पर थोड़े से क्वेश्चन में चेंज करूँ, ठीक है, क्वेश्चन में चेंज करूँ, मतलब अगला क्वेश्चन में यहाँ लिख देता हूँ कि सपोज आपको ये दे रखा हो कि x बराबर से 7 + 2√12, ठीक है, ये दे रखा हो, तो x बराबर से 7 + 2√12 दे रखा हो, और यहाँ पर अगर आपसे पूछ ले कि यार 1/x = क्या होगा, तो 1/x = पूछे, तो आपको हमेशा इतना सा लॉजिक लगाना है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे अब भी सारी चीज़ें आने लगेगी। हमें क्या करना है, 7 का जब स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 49, इतना कुछ आ रहा होगा। जब हम इस पूरे पार्ट का स्क्वायर कर रहे होंगे तो इस पूरे पार्ट का जब स्क्वायर कर रहे होंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, और अंडर 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 12, तो 12 × 4 = 48, कितना आ जाएगा, 48, और दोनों के बीच डिफरेंस कितने का आएगा, 1 का आएगा, और जब 1 का डिफरेंस आता है तो 1/x की वैल्यू डायरेक्टली यहाँ प्लस है तो यहाँ कितना जाएगा, माइनस, तो 7 - 2√12 आ जाएगा। क्या ये चीज़ समझ पा रहे हैं। अब आगे देखो यार, यदि एक क्वेश्चन और मैं यहाँ पूछ लेता, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 3 को जिस प्रकार से हो जाएगा कि x = यहाँ पर हम लिख दें कि 9 + 2√20, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या लिख दिया हमने, x = 9 + 2√20, या फिर हम यहाँ लगा देते हैं माइनस, ठीक है, ये माइनस लगा देते हैं। अगर मैं डायरेक्टली आपसे पूछूं कि 1/x = क्या आ रहा होगा, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, तो आप करोगे क्या, फाइनली 9 का स्क्वायर करोगे तो माइंड में कर लो, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, और 4 × 20 का कितना हो जाएगा, 80 हो रहा होगा इतना, मतलब 2 का वर्ग 4, 4 का बीच में गुणा करेंगे तो 80, 80 और 81 के बीच कितने का अंतर, 1 का अंतर आ रहा होगा, मतलब फाइनली 1/x की वैल्यू कितनी आ रही होगी, तो 1/x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 9 + 2√20। क्या ये चीज़ समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो हमने ये 3 क्वेश्चन देखे और तीनों क्वेश्चन में एक कॉमन सी चीज़ है, ठीक है, कि फर्स्ट वाले टर्म का स्क्वायर करना है और इस पूरे पार्ट का स्क्वायर करना है, जब डिफरेंस 1 का हो तो डायरेक्टली प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस कर दो, x की अगर वैल्यू दे रखी तो जस्ट इसका रेसिप्रोकल की वैल्यू हम ला सकते हैं, 1/x की वैल्यू ला सकते हैं। तो हमने इतना अभी सीखा, थोड़ा सा आगे बढ़ते कि यदि हमें इस प्रकार से दे रखा होता, ठीक है, और ये सारी चीज़ों के अगर आप नोट्स बनाते हैं तो यार ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पर एक चीज़ मैं और बता दूँ कि जिन लोगों को अगर स्पीड कम लग रही होगी तो वो स्पीड बढ़ा सकते हैं, और जिन लोगों को स्पीड ज़्यादा लग रही है वो स्पीड कम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन कि अगर हमें इस प्रकार से दे रखा हो कि 1/x = दिया है 1/
सेवन प्लस फोर अंडर रूट थ्री, ठीक है ये दिया हो, देखो सॉरी इसको अपन एक्स इक्वल टू ले लेते हैं कि यदि क्वेश्चन में दिया हो, देखो इन क्वेश्चनों को हम बड़े बड़े में यूज करना सीखेंगे, बड़े बड़े क्वेश्चनों में। तो x इक्वल टू हमें दे रखा है 1 अपॉन 7 प्लस 4 अंडर रूट 3। अब यहां पर अगर आपसे पूछ ले कि यार फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन x इक्वल टू व्हाट, क्या होगा, ठीक है, तो हम अगर ये बोल दें कि x की वैल्यू ये दे रखी है और 1 अपॉन x की वैल्यू पूछी, तो यार हमें एक चीज समझ में आ रही कि हर एक में x का मान दिया जाता है, 1 अपॉन x का पूछता है, या फिर 1 अपॉन x का दिया होगा और x की वैल्यू पूछेगा। यहां चीजें समझो क्या करना है, यहां पर भी जस्ट 7 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 49, क्या ये चीज समझ पा रहे हैं आप, और इस पूरे पार्ट का जब स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और 16 3 का कितना हो जाएगा 48, तो 4 का वर्ग 16 और 16 3 कितना 48, ये चीज समझ पा रहे हैं, तो यहां कितना हो जाएगा 48, और दोनों के बीच डिफरेंस कितने का जाएगा 1 का, और दोनों के डिफरेंस, अगर दोनों के बीच डिफरेंस 1 का आ रहा है, इसका ये मतलब है कि जो इसकी वैल्यू आ रही होगी ना 1 अपॉन x की एज इट इज आएगी, परंतु जहां पर प्लस है वहां पर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो यहां जाएगा 7 माइनस 4 अंडर रूट 3, ठीक है। तो ये चीज आप समझेंगे कि x की वैल्यू हमें दे रखी थी 1 अपॉन 7 प्लस 4 अंडर रूट 3, और 1 अपॉन x की वैल्यू पूछा है, तो हमने डायरेक्टली जब इसके x का रेसिप्रोकल पूछा है, मतलब विद क्रमानुपाती पूछा है, तो हमने करा क्या प्लस की जगह क्या आ गया माइनस, और माइनस तब ही आता है जब इन दोनों के बीच डिफरेंस कितने का हो 1 का हो, ठीक है। इतनी चीजें हमने सीखी, चाहो तो एक क्वेश्चन हम यहाँ और देख लेते हैं और फिर उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, अगर मुझे दिया होता यार, ठीक है यही सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि 1 अपॉन x इक्वल टू दे रखा होता अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2, ठीक है, कि 1 अपॉन x इक्वल टू दिया होता अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2, तो यहां पर हमसे वैल्यू पूछ रहा होगा होता किसकी, x इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो हमेशा माइंड में एक चीज फोकस रखो कि 1 अपॉन x इक्वल टू दिया है तो x की वैल्यू पूछेगा, या तो x इक्वल टू दिया है तो 1 अपॉन x इक्वल टू पूछेगा। अब यहां 1 अपॉन x इक्वल टू अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 है, तो यहां पर भी क्या करना है, जब x की वैल्यू पूछिए तो यार इस पार्ट का स्क्वायर करना है, तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 3, अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 2, क्या इसका स्क्वायर कर पा रहे हैं आप, तो अंडर रूट 3 का जब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो रहा होगा, और जब कैंसिल आउट होगा तो फाइनली वैल्यू कितनी आ रही होगी 3 आ रही होगी। उसी आधार पर जब अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट 2 से स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा होगा तो कितना आएगा 2 आएगा, तो फाइनली इन दोनों के बीच डिफरेंस कितने का है 1 का, और जब डिफरेंस दोनों के बीच अगर 1 का आ रहा हो तो 1 अपॉन x इक्वल टू इतना दिया है तो x की वैल्यू कितनी आ रही होगी, तो x की वैल्यू यहां प्लस है तो उधर क्या जाएगी माइनस आ जाएगी, इवन कितना जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 2, तो फाइनली ये क्या होगा हमारा आंसर। तो हमने जितनी चीज़ें सीखी आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए। अब हम आगे बढ़ते कि इसी प्रकार के क्वेश्चन अगर थोड़े से बड़े लेवल में आए तो किस प्रकार आ सकते हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं घातांकणी, तो उसके अंतर्गत ये चीज़ें पढ़ रहे हैं, एल्जेब्रिकल प्रॉब्लम पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक बार ये सारी चीज़ों से आपका फिर से सामना होने वाला है, ठीक है। तो वहाँ पर हम एक बार और देखेंगे तो चीज़ें थोड़ी सी और मजबूत हो जाएगी, लाइन और डार्क हो जाएगी, मतलब एक ही जगह अगर हम डबल बार लाइन चला दे तो वो लाइन डार्क होती है ना कि मध्यम। अब आगे देखो यार क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है, तो क्वेश्चन यहाँ इस प्रकार से आते हैं कि x इक्वल टू आपको दे दिया 7 प्लस 2 अंडर रूट, सॉरी यहाँ कर लेते हैं 4, ठीक है 4 अंडर रूट 3, और वैल्यू आपसे पूछ लेते हैं यार कि x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू क्या होगा व्हाट, ठीक है ये हमसे पूछेगा कि x इक्वल टू 7 प्लस 4 अंडर रूट 3 दिया है और वैल्यू आपसे पूछ रहा है कि x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू क्या होगा, ये पूछ रहा है हमसे। करना क्या है यार कि हमें x इक्वल टू इतना पता है, x इक्वल टू पता है क्या है 7 प्लस 4 अंडर रूट 3 है, तो फाइनली हम 1 अपॉन x की वैल्यू तो ला सकते हैं ना यार, अभी तक हमने वही सीखा कि x की वैल्यू दी है तो 1 अपॉन x की वैल्यू क्या होगी 7 माइनस 4 अंडर रूट 3, ये चीज़ आप समझ पा रहे हैं। तो ये x का मान भी दिया है, 1 अपॉन x का मान भी दिया है, तो हमसे वैल्यू क्या पूछा है कि x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू क्या होगी, तो डायरेक्टली यहाँ वैल्यू रख दो, x का मान हमारे पास क्या है तो 7 प्लस 4 अंडर रूट 3, 7 प्लस 4 अंडर रूट 3 प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू क्या है, तो 1 अपॉन x की वैल्यू है 7 माइनस 4 अंडर रूट 3, ये आ रही है, तो हम 1 अपॉन x की जगह क्या लिख देंगे 7 माइनस 4 अंडर रूट 3, इतना ही कुछ हो रहा है। हमने x की वैल्यू ये पुट अप करी, 1 अपॉन x की वैल्यू इधर पुट की, हम यहाँ देखेंगे ये वैल्यू प्लस की है और ये वाली वैल्यू माइनस की है, तो प्लस और माइनस की वैल्यू जब कैंसिल आउट हो रही होगी तो 7 प्लस 7 कितना हो जाएगा 14, इवन कहने का मत ये मतलब है कि x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू कितना आ जा रहा होगा 14 आ जा रहा होगा, ये चीज़ समझ पा रहे हैं। अब देखो यार, तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो यहाँ अगर हम डायरेक्टली भी इसे भी सॉल्व कर रहे होते तो जब भी
देखो पहले मैं एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, फिर उसके बाद में जो लॉजिक आपको बताना चाह रहा हूँ आप उस पर फोकस करना। अगर आप इतना भी कर लेंगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जा रही होगी। यहाँ अगर मैं ये दे देता कि यार x इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा x इक्वल टू 5 प्लस 2 अंडर रूट 6, ये हमारे पास होता कि x इक्वल टू 5 प्लस 2 अंडर रूट 6, और वैल्यू हमसे पूछ रहा होता कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन x प्लस x इक्वल टू क्या, ठीक है, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो हमें दे रखा है कि यार x इक्वल टू 5 प्लस 2 अंडर रूट 6 एंड वैल्यू क्या पूछे हमसे, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये पूछी है। तो यहाँ देखो यार x इक्वल टू इतना है, अगर हम इसे सॉल्व करें तो x की वैल्यू है हमारे पास 1 अपॉन x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो x की जगह 1 अपॉन x अगर मैं लिखूँ तो पहले हमें ये यहाँ चेक करना है कि 5 का वर्ग कितना हो रहा होगा 25, ठीक है, 5 का स्क्वायर करोगे 25 आ रहा होगा, और 2 अंडर रूट 6 का स्क्वायर करेंगे तो 24 आ रहा होगा। तो 5 और 24 मतलब यहाँ 25 और 24 के बीच अंतर कितने का, एक का डिफरेंस 1 का है, और डिफरेंस 1 का है इसका मतलब कि यहाँ ये अगर प्लस की वैल्यू है तो 1 अपॉन x क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी मतलब 5 माइनस 2 अंडर रूट 6 ये हो जाएगी क्या। और वैल्यू हमसे पूछा है कि x प्लस 1 अपॉन x का मान क्या होगा, तो यार x का मान हमारे पास क्या है, 5 प्लस 2 अंडर रूट 6, तो x की जगह आ जाएगा 5 प्लस 2 अंडर रूट 6 आ जाएगा, और प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू क्या है, तो 5 माइनस 2 अंडर रूट 6, तो 1 अपॉन x की जगह आ जाएगा 5 माइनस 2 अंडर रूट 6 आ जाएगा। फाइनली 2 अंडर रूट 6 और माइनस 2 अंडर रूट 6 कैंसिल आउट हो रहा होगा, तो 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा 10, तो इसका फाइनली आंसर कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। अब यहाँ पर जो चीज़ मैं नोटिस कराने की बात कर रहा हूँ आप उस चीज़ को ध्यान से देखिए कि यार क्वेश्चन हमें यहाँ पर ये दे रखा था, ठीक है, देखो एक मिनट में इसे मिटाऊँ, इतना मिटा देते हैं और आंसर आपको दोनों के याद है तो ज़्यादा बेटर है। अब देखो फाइनली जो दो क्वेश्चन हमने लिए हैं, और इस प्रकार के क्वेश्चन यार नॉर्मली पूछे जाते हैं, ठीक है, आपको देखने को मिलेंगे, ये पहला क्वेश्चन हो जाएगा और ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो जाएगा। अब यहाँ पर भी x का मान दिया, यहाँ से वैल्यू पूछ रहा है कि x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू क्वेश्चन मार्क दे रखा है, और यहाँ पर भी वही सेम थिंग पूछी है। जब x का मान ऐसा दिया हो और इस वैल्यू पूछी हो तो यहाँ पर ये चीज़ समझना कि x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू पूछी है तो 7 का डबल करोगे तो कितना जाएगा, 14, यही है हमारा राइट आंसर, क्या इतना ही आया था। x का मान जब इतना दिया है और किस कंडीशन में, जब 5 का वर्ग करोगे 25 और इसका वर्ग करोगे तो 24, 24 और 25 डिफरेंस 1 का, तो x प्लस 1 अपॉन x का मान पूछा है तो 5 का डबल करोगे कितना, 10, तो 10 इस क्वेश्चन का क्या जाएगा आंसर, क्या ऐसे ही कुछ आ रहा है, तो बिल्कुल सही है सारी चीज़ें और आप इन चीज़ों को समझ भी पा रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करते हैं कि यार एग्जामिनर अगर थोड़ा सातिर रहा, उसे ये पता है यार कि मोस्टली स्टूडेंट इन चीज़ों को कर पाते हैं, और अगर मोस्टली स्टूडेंट कर पाते हैं इसका ये मतलब है यार कि ये क्वेश्चन ना देते हुए इसमें थोड़ा सा चेंज किया जा सकता है। क्या चेंज कर सकते हैं, उन चीज़ों को देखो तो हमसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है अगला कि क्वेश्चन जैसा है आपको इसी प्रकार से दिया रहेगा। तो क्वेश्चन ये हो गया कितना कि एक्स इक्वल टू 7 प्लस 4 अंडर रूट 3, और यहाँ पर एक अलग प्रकार से क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अभी प्लस वाले क्वेश्चन थे, अब कौन से हो गए, माइनस वाले क्वेश्चन हो गए। जब माइनस वाले क्वेश्चन आ जाए तो हमें फाइनली करना क्या है वो देखो, तो यार x का मान इतना है ये हम जान रहे हैं, तो हम ये भी तो जान रहे हैं कि यार x का मान 7 प्लस 4 अंडर रूट 3 है, तो 7 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 49, और इस पूरे का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा, 4 का वर्ग 16, करनी 3 का वर्ग 3, तो 16 दिया कितना आ जाएगा 48, तो 48 और 49 के बीच कितने का डिफरेंस, 1 का डिफरेंस। इसका ये मतलब है कि x इक्वल टू अगर वैल्यू इतनी दे रखी है तो हम ये जान रहे हैं कि 1 अपॉन x की वैल्यू आ रही होगी 7 माइनस 4 अंडर रूट 3, ठीक है, ये चीज़ें आप क्लियर कर पा रहे हैं कि x का मान इतना है तो 1 अपॉन x का मान इतना होगा। फाइनली आपको यहाँ पुट अप करना है वैल्यू, तो x की वैल्यू कितनी है 7 प्लस 4 अंडर रूट 3, तो x की जगह जाएगा 7 प्लस 4 अंडर रूट 3, माइनस लगाया। अब देखो यार कि जब भी अगर माइनस हो तो माइनस को आपको रिप्रेजेंट कराना है, मतलब लिखना है, और लिखा उसके बाद जो वैल्यू है उसको कोष्टक में लिखोगे, ब्रैकेट में लिखोगे, तो 1 अपॉन x की वैल्यू किस में है, तो 1 अपॉन x की वैल्यू है 7 माइनस 4 अंडर रूट 3, तो 1 अपॉन x की जगह जाएगा 7 माइनस 4 अंडर रूट 3 आ जाएगा, ठीक है, ये चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि माइनस होता है ना, तो यार माइनस का इफेक्ट हमेशा और हमेशा ब्रैकेट के अंदर पड़ता है परंतु प्लस का नहीं पड़ता, इसलिए हमने प्लस की वैल्यू को एज इट इज़ लिख देते हैं, पर माइनस की अगर वैल्यू होती है तो हम ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक है, ये चीज़ें आप याद रखना। तो 7 प्लस 4 अंडर रूट 3 तो एज इट इज़ रहेगा, पर जब भी माइनस का गुणा अगर ब्रैकेट के अंदर होता है, मतलब माइनस अगर ब्रैकेट के बाहर है, तो अंदर के सारे सिम्बॉल चेंज हो जाते हैं, मतलब 7 का एक है यहाँ प्लस का है तो काय का हो जाएगा माइनस का 7, और ये माइनस का 4 अंडर रूट 3 है तो काय का
हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 4 अंडर रूट 3, तो माइनस का 7 और प्लस का 7 हो गया कैंसिल आउट, हमारे पास बचा क्या 4 अंडर रूट 3 और 4 अंडर रूट 3, तब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 और 4 कितना 8, 8 करनी 3 हो जाएगा 8 अंडर रूट 3 फाइनली होगा हमारा आंसर। ठीक है, तो ये चीज आप समझ पा रहे होंगे। तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, कि अगर मैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड लिख दूं कि x इक्वल टू, यहाँ लिख देते हैं अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 6 है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये हमारा हो जाएगा सेकेंड इस प्रकार का, और यहाँ आपसे वैल्यू पूछ रहा है कि यार x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू क्या होगा, क्वेश्चन मार्क, ये हमसे पूछा है। तो x इक्वल टू 7 माइनस अंडर रूट, सॉरी x इक्वल टू अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 6 दिया है और हमसे वैल्यू पूछी कि x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू क्या होगा, ये पूछा है यार। तो हमने जब इस पूरे का परफेक्ट स्क्वायर करा, सॉरी इसका स्क्वायर करा तो कितना आया 7, इसका स्क्वायर करा तो कितना आया 6, मतलब दोनों के बीच डिफरेंस कितने का आ रहा है 1 का, और जब दोनों के बीच डिफरेंस अगर 1 का आ रहा है, तो जब डिफरेंस 1 का आ रहा है तो x की वैल्यू अगर ये है तो 1 अपॉन x की वैल्यू फाइनली आप बता सकते हैं कितनी होगी, तो अंडर रूट 7 और माइनस की जगह क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ अंडर रूट 6, ये चीज आप समझ गए होंगे। तो x का मान इतना और 1 अपॉन x का मान इतना आ गया, हमसे वैल्यू पूछे कि x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू व्हाट क्या होगा, तो x का मान हमारे पास कितना है, ये वाली वैल्यू है, तो 7 अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 6 है, ये लगाया माइनस, अब ये इस पूरे की वैल्यू हमें पुटअप करनी है, लिखनी है, तो इस पूरे की जगह ये बाहर माइनस है इसलिए यहां लगाएंगे ब्रैकेट, और 1 अपॉन x की वैल्यू हमारे पास है क्या अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6, तो यहां जाएगा अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6। एक स्टेप और आगे सॉल्व कर रहे होंगे हम इसको, तो अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 6, माइनस का जब अंदर, कभी भी ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस हो तो अंदर के सारे सिंबल सारे चिन्ह बदल जाते हैं, तो माइनस का जब अंडर रूट 7 में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस अंडर रूट 7 और माइनस अंडर रूट 6 होगा, तो यहां पर प्लस अंडर रूट 7 और माइनस अंडर रूट 7 कैंसिल आउट हो गया, माइनस अंडर रूट 6 और माइनस अंडर रूट 6 फाइनली जुड़कर हो जाएगा कितना माइनस 2 अंडर रूट 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा फाइनली आंसर। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने सीखी। अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चनों में स्क्वायर रूट पूछा जाता है। ठीक है, क्या पूछा जाता है, स्क्वायर रूट पूछा जाता है, परंतु उससे पहले एक दो क्वेश्चन और देख लीजिए। ठीक है, जिसमें हर का परिमेयकरण करना होता है। ठीक है, रेजनेलाइजेशन शायद, ठीक है, थोड़ी सी क्या होता है यार कि जब मैं बोलता हूँ ना हर का परिमेयकरण इंग्लिश में, मेरी जीभ नहीं पलट पाती है, इसलिए मैं उसे थोड़ा सा सोच समझ के ही बोलता हूँ कि क्या मैं बोल पाऊँगा या नहीं, तो आप चीज़ें समझो। रेजनेलाइजेशन या रेजनेलाइजेशन जो भी होता है ना, हर का परिमेयकरण से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं इसमें उनको हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा देखा गया है यार कि नॉर्मली अगर हम थोड़े छोटे पेपरों की बात करें तो इस चीज़ को पूछा जाता है। तो यार क्वेश्चन कुछ इस प्रकार हमें दे रखा है कि 2 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन 2 माइनस अंडर रूट 3 का सरलतम रूप क्या होगा। ठीक है, इसका सिंपल फॉर्म ऑफ दिस क्वेश्चन ये लिखना है ना, तो इसको सरलतम रूप क्या होगा, मतलब जितना आप इसको सॉल्व कर सकते हैं वहां तक आपको सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन दिया है कि 2 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन 2 माइनस अंडर रूट 3, तो करना किस प्रकार से यार इस क्वेश्चन को, तो सबसे पहले अगर हम पहली स्टेप की बात करें तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो सबसे पहले इसका हर का परिमेयकरण करना होता है, रेजनेलाइजेशन करना होता है, शायद ये होता है ना। तो देखो हर का परिमेयकरण कैसे करते, तो जिन लोगों को आता है बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, जिनको नहीं आता तो आप मेरे साथ चीज़ें समझने का प्रयास करें कि यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 3, जो न्यूमेरेटर है अंश है वो एज इट इज रहेगा नो चेंज, बट जो डिनोमिनेटर है कितना 2 माइनस अंडर रूट 3, ठीक है, जो डिनोमिनेटर है उसका परिमेयकरण होता है। परिमेयकरण सिंपल सा मतलब यही कि यार अंश में, अंश मतलब न्यूमेरेटर और हर मतलब डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो यहाँ पर ये अंश है न्यूमरेटर, इसमें भी इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ माइनस है तो एक आएगा प्लस का, मतलब चिन्ह चेंज कर देना है, तो यहाँ जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 3 और यहाँ पर भी 2 प्लस अंडर रूट 3, इसका क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब भी हम हर का परिमेयकरण करते तो इसका ये चिन्ह बदल देते हैं, माइनस है तो प्लस, प्लस और इनका अंश और हर में गुणा कर देते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको बोलते हैं हर का परिमेयकरण या रेजनेलाइजेशन। ठीक है, अब आगे देखो यार,
यहाँ जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो ये भी सेम वैल्यू है, ये भी सेम वैल्यू है, इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं 2 प्लस अंडर रूट 3, ये दो बार आया या नहीं। कहने का मतलब कि अगर मैं बोलती हूँ कि x और x का जब गुणा होगा तो फाइनली होगा क्या x का स्क्वायर, ऐसे कुछ होगा। मतलब 2 का जब 2 में गुणा होता है तो कितना होता है 2 का वर्ग होता है। तो ये चीज़ें आप जानते हैं। तो यार ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है तो इन दोनों का जब गुणा हो रहा होगा, मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय। ये चीज़ समझ पाए, अगर आप न्यूमरेटर की वैल्यू समझ पा रहे हैं तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखो यार, जो डिनोमिनेटर है हर है, यहाँ पर दोनों अलग अलग वैल्यू पर आप एक फॉर्मूले से परिचित होंगे, ठीक है, कि a माइनस बी और a प्लस बी इक्वल टू क्या होता है। तो आप अगर इसे नहीं जानते तो जानो, ठीक है, जरूरी है आप लोगों के लिए कि यार a माइनस बी और a प्लस बी है तो हम इसको फाइनली बोल सकते हैं कि a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर होता है, ठीक है, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर होता है। मतलब ये माइनस वाली वैल्यू, ये प्लस वाली वैल्यू, तो यहाँ पर a का काम कौन करेगा, 2, ठीक है, दोनों जगह 2 है मतलब 2 है, वो a की वैल्यू का काम कर रहा है, अंडर रूट 3 वो b की वैल्यू का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 और इसका स्क्वायर। क्या ये चीज़ समझ पा रहे हैं, ये इस फॉर्मूले की तरह काम कर रहा है, ठीक है। एक क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, अगले क्वेश्चन में हम इसको सेकेंडों में कर चुके होंगे। यहाँ पर फिर से एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा होगा, ठीक है, कौन सा फार्मूला, तो हम ये चीज़ आप भी जानते हैं, ठीक है, a प्लस बी पूरे का वर्ग बराबर से होता है a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab, क्या ये चीज़ आप जानते हैं। इसका मतलब यहाँ a का काम कौन कर रहा है, 2, और b का काम कौन कर रहा है, अंडर रूट 3। तो फाइनली ये जब इस फॉर्मूले की तरह टूटेगा तो a का वर्ग मतलब 2 का वर्ग 4 प्लस b का वर्ग मतलब करनी 3 का वर्ग करेंगे तो 3 और प्लस 2 इंटू a का मान है 2 और b का मान है अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 4, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 और करनी 3 का वर्ग करेंगे तो 3। क्या चीज़ समझ पा रहे हैं, जब करेंगे 2 का वर्ग तो 4 और करनी 3 का वर्ग 3 करेंगे, फाइनली 4 में से 3 जाएगा तो बचेगा कितना 1, और बटे में 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, डिनोमिनेटर में 1 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको फाइनली जब सॉल्व कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आ जा रही है, 1 आ जा रही है। आगे सॉल्व करेंगे तो 4 और 3 कितना आ जा रहा होगा, 7 प्लस 2 दूनी 4, 2 टू द 4 अंडर रूट 3, ये फाइनली क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। थोड़ी सी चीज़ आप इसमें समझ पा रहे होंगे। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे आपकी जितनी भी परेशानी या थोड़ा कैलकुलेशन में कहीं जिन लोगों को प्रॉब्लम हो रही हो तो वो समझ जाएंगे, फिर उसके बाद हम चलते हैं स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे इस प्रकार के क्वेश्चनों का, ठीक है। अब देखो यार, और कोशिश करिए कि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, क्योंकि मैथ सिर्फ प्रैक्टिस मानता है कुछ नहीं। आप देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा सिंपल लग रहा होगा आपको, अगर आप पूरे रेगुलर क्लास देख रहे हैं तो हर क्लास, ठीक है, और आपके पास जो बुक होंगे आप उससे पढ़ रहे होंगे तो भी, और अगर पुस्तक नहीं है तो हम डेली क्वेश्चन सेंड करते हैं, ठीक है, किसमें, स्टडी वायर एक ग्रुप है अपना, स्टडी वायर, ये आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे भी, जो चैनल का नाम है उसी नाम से, टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा और फेसबुक पे भी मिल जाएगा, तो आप इसे ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको समय समय पर वीडियो नोटिफिकेशन और अदर जानकारी और पीडीएफ नोट्स मिलते रहेंगे, ठीक है, जो चीज़ें हम यहाँ पढ़ा रहेंगे वो, तो इससे क्या होगा कि आपकी तैयारी जैसी चल रही है उससे और बेटर हो पाएगी, आपको ज़्यादा भटकने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। आगे देखते हैं यार, एक क्वेश्चन और इसी प्रकार का ले लेते हैं हम। तो क्वेश्चन कुछ ये हो जाएगा यार कि अंडर रूट 5 माइनस 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 5 प्लस 2, ठीक है, ये क्वेश्चन है, का सरलतम रूप ज्ञात करना है, ठीक है। तो यार अंडर रूट 5 माइनस 2 अपॉन अंडर रूट 5 प्लस 2 है और इसका सरलतम रूप ज्ञात करना है। तो जब भी सरलतम रूप की बात करते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन में तो हर का डायरेक्टली परिमेयकरण कर देना है। तो हर का परिमेयकरण करेंगे तो अंडर रूट 5 माइनस 2, और यहाँ पर देखो यार इधर कितना हो जाएगा अंडर रूट 5 प्लस 2, हर का परिमेयकरण करेंगे तो यहाँ पर चिन्ह चेंज कर देना है, तो 5 माइनस 2 और सॉरी अंडर रूट 5 माइनस 2 और यहाँ पर भी जाएगा अंडर रूट 5 माइनस 2, ये चीज़ आप समझ पा रहे होंगे। तो ये भी माइनस, देखो ये और ये दोनों सेम थिंग है, और सेम थिंग के मतलब कितना हो जाएगा अंडर रूट 5 माइनस 2 पूरे का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये a प्लस बी और ये a माइनस बी इक्वल टू, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल टू क्या होता है a का वर्ग माइनस b का वर्ग, तो a की जगह कितना है अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस b की जगह क्या है 2, तो यहाँ आ जाएगा 2 का स्क्वायर, ठीक है, इतनी चीज़ें आप समझ रहे होंगे। तो अब आगे देखोगे तो यहाँ पर एक अगला फार्मूला काम कर रहा है, एक फार्मूला और होता है मैथ्स में कि a माइनस बी पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस होता है 2ab, ये होता है, ठीक है। तो a माइनस बी की कंडीशन के लिए तो a का काम कौन कर रहा है अंडर रूट 5 पर, b का काम कौन कर रहा है तो 2 कर रहा है, तो a का वर्ग अगर यहाँ करोगे तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर कितना होगा 5 प्लस
देखो यहाँ प्लस है इसलिए यहाँ भी प्लस लगाया, और बी का काम कौन कर रहा है, टू, और टू का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, फोर हो जाएगा माइनस टू, ए की वैल्यू अंडर रूट फाइव और बी की वैल्यू कितनी है टू है, क्या ए इंटू बी यहाँ कर दिया डिवाइडेड बाय। डिवाइड करने से पहले ये देखो यार अंडर रूट फाइव की, सॉरी अंडर रूट फाइव का स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी फाइव, ठीक है, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4, तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, दोनों के बीच डिफरेंस कितने का है 1 का, और जब डिफरेंस 1 का है तो अंतर आने वाला है 1, तो 1 लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, नो नीड टू राइट। अब आगे देखेंगे तो यार यहाँ पर देखो 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, 5 और 4 कितना होगा 9, और ये माइनस का माइनस 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, और साथ में अंडर रूट 5 का अंडर रूट 5, फाइनली यही होगा हमारा क्या आंसर होगा, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें हमने सीखी, अब हम देखते हैं कि स्क्वायर रूट, ठीक है, पहले मैं देख लूं कि यार कितने टाइम का वीडियो हो रहा है, तो 25 मिनट हो रहा है अभी, तो हम 10 मिनट में सारी चीजें आगे कंप्लीट कर लेंगे। अब ये देखो यार, अब जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं ये एग्जाम में अधिकतर पूछी जाती है, मतलब जो चीजें हमने पढ़ी इसका ये मतलब नहीं है कि ये चीजें नहीं पूछी जाती है, ठीक है, एक होता है यार चीजें पूछी जाना, ठीक है, मतलब ऐसा है कि जब हम खाना खाते हैं तो जितनी चीजें परोसी जाती है वो सब चीजें हम खाते, पर उसमें भी कुछ ज्यादा चीजें पसंद हो, ठीक है, जैसे गुलाब जामुन हो गया, ठीक है, तो वो ज़्यादा पसंद है, तो उसी प्रकार से एग्जामिनर देता तो हर चीज़ है पेपर में, परंतु उसकी भी कुछ मोस्टली ऐसी चीज़ें होती है जो उससे ज़्यादा पसंद हो, तो जो चीज़ें हम अब आगे पढ़ेंगे स्क्वायर रूट, ठीक है, वो भी अंडर रूट वाले क्वेश्चनों का, तो वो अधिकतर पूछी जाती है, जिसको हम बोलते हैं वर्ग मूल, ठीक है, तो स्क्वायर रूट पढ़ने जा रहे हैं वर्गमूल, वर्ग मूल, और जिनको ना पता है वर्गमूल स्क्वायर रूट, तो मैं बता दूं कि यहाँ अगर 4 दिया है तो 4 से बाहर आ गया कितना 2, तो ये वर्गमूल कहलाएगा किसका, अंडर रूट 4 का वर्गमूल कितना निकला 2, यहाँ पर अगर मैं लिख दूं 9 तो इसका वर्गमूल कितना आएगा 3, कहने का मतलब कि किसी भी संख्या को करनी से कहाँ निकाल देना, बाहर निकाल देना, उसी को बोल दिया जाता है वर्गमूल निकालना, ठीक है, ये चीज़ आप समझ चुके होंगे। अगर मैं लिख दूं यार कि अंडर रूट 100 है मेरे पास, तो अंडर रूट 100 है, इसका अगर वर्गमूल कितना होगा तो कितना होगा 10 होगा। आगे चलकर हम एक छोटा सा चैप्टर पढ़ लेंगे जिसके 2 लेक्चर आएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, वर्गमूल और घनमूल, ठीक है, तो इसे मैं मिटाऊं, तो हमने यहां देखा कि वर्गमूल क्या होता है, तो किसी भी संख्या को अंडर रूट से बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाती है, वर्गमूल कहलाती है, या फिर इसी को ही हम बोलते हैं इसको, सॉरी वर्गमूल या फिर स्क्वायर रूट बाहर लेना। अब देखो यहां पर ऐसा भी हो सकता है, यहां मैंने लिख दिया यार 64 और बोल दिया कि 64 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, स्क्वायर रूट ज्ञात कीजिए, किसका 64 का, और 64 का स्क्वायर रूट ज्ञात करना है, कहले का मतलब कि करनी लगाना जरूरी नहीं है, अगर हिंदी में लिख भी दिया यहाँ कि यार वर्गमूल ज्ञात करो, वर्गमूल ज्ञात करो, ठीक है, ये हिंदी जो लिखी यार इस पर मत जाना अपनी, सिर्फ संख्याओं पर जाओ, ठीक है, और मेरे शब्दों पे 64 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, तो करनी लगाने की आवश्यकता नहीं, हमको ये पता होना चाहिए कि वर्गमूल निकालो अगर बोला तो इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा 8, किसका वर्ग था वो 8 का, तो फाइनली आंसर होगा 8। यहीं पर अगर हम बोल देते, वह बोल देता हमसे कि यार 169 का क्या ज्ञात करो, वर्गमूल ज्ञात करो, वर्गमूल ज्ञात करो, फाइनली हमको यहां करनी से चीजें बाहर निकालना ही है, तो आंसर कितना आता 13 आता। अगर यहां बोल देता है कि यार 225 है, कितना है सॉरी 225, 225 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, ठीक है, स्क्वायर रूट निकालो तो कितना आ जाता 15 आ जाता, तो ये चीज़ आप समझ पा रहे। तो अब यहाँ देखो कि अंडर रूट वाली संख्या का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, तो हम देखते हैं यार, कुछ छोटी छोटी चीज़ें नोटिस कराऊंगा, अगर आप इन चीज़ों को नोटिस करते हैं तो ज़्यादा अच्छी बात होगी। पहला क्वेश्चन देखो यार, अगर आपको दे दिया कि 7 प्लस 2 और 12, ठीक है, एक छोटे से क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ 5, यहाँ लिख देता हूँ 6, ठीक है, वर्ग मूल ज्ञात करो, या फिर अगर ये ना लिखा हो तो इसी क्वेश्चन में यहाँ लिखता सरल कीजिए, या इसी को बोल देगा सरल कीजिए, या तो अगर ये गायब रहेगा तो बोलेगा वर्गमूल ज्ञात करो, समझ पा रहे, ऐसा लिखेगा तो वर्गमूल ज्ञात कीजिए लिखेगा, और अगर ये लिख देगा तो क्या लिखेगा सरल कीजिए, ठीक है, ये चीज समझ पा रहे हैं। अब देखो यार क्वेश्चन हमारे पास था ये, ठीक है, तो मैं एक बार क्वेश्चन लिख रहा हूँ, चीजें समझ रहे कैसे सॉल्व करना है, तो 5 + 2 अंडर रूट 6 है मेरे पास, 5 + 2 अंडर रूट 6 है, फाइनली इनका अंडर रूट से पूरे को बाहर कैसे लाया जाता है, किस प्रकार इंप्लीमेंटेशन करोगे, तो हमें करना यह जो 5 है इस 5 को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है कि जिनको जोड़ने पर तो 5 ही आए, तो कहने का मतलब 5 को मैं अगर लिख दूं 3 और 2, तो 3 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या 5 आएगा, ठीक है, धैर्य से समझना, सिर्फ एक क्वेश्चन, ठीक है, पेशेंस रखिए,
थ्री प्लस टू करोगे तो आएगा फाइव, ये तो क्लियर हो पा रहा है। मतलब मैंने ये बोला कि ये जो वैल्यू रहेगी इसको दो भागों में तोड़ना है, ठीक है, डिवाइडेड बाय टू पार्ट्स, ठीक है, इन दिस वैल्यू। इस वैल्यू को अगर हम दो भागों में तोड़ेंगे और दोनों को जब हम ऐड करेंगे इन दोनों का सम, ये आना चाहिए, ये चीज़ क्लियर हो चुकी है। फिर इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये अंडर रूट वाली संख्या आनी चाहिए, ठीक है, ये वाला नंबर आपको मिलना चाहिए। तो थ्री मल्टीप्लाई बाय टू, तो तीन दोनों कितना हो जाएगा, छः हो जाएगा। यहाँ तक समझ पा रहे? यहाँ देखना इस टू के बाद कौन सा सिम्बॉल है, तो प्लस का है, तो यहाँ लगाना प्लस, और यहाँ भी अंडर रूट लगाना, यहाँ पर भी अंडर रूट लगाना। फाइनली यही है हमारा राइट आंसर कि फाइव प्लस टू अंडर रूट सी का स्क्वायर रूट क्या होगा या वर्गमूल क्या होगा, तो ये होगा। थोड़ी सी चीज समझे, तो अगला क्वेश्चन देखो यार, यहीं पर अगर मैं एक क्वेश्चन और लिखूं, समझ में ना आया हो तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ये एक क्वेश्चन है और यहां बोल दिया कि इसका वर्गमूल ज्ञात करना है, सेवन प्लस टू अंडर रूट सिक्स, और पूरे में अंडर रूट लगा हुआ है, सरल करना है इसको, सरल करना है। तो ये देखो यार कि सेवन प्लस टू अंडर रूट सिक्स दिया है, तो मैंने अभी ये बताया कि सेवन को दो भागों में तोड़ना है और दोनों भागों को जोड़ने पर कितना आए, सात आए, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, छ और एक, छः और एक जोड़ेंगे तो कितना आएगा, सात। फिर मैंने अगली लाइन ये बोली कि इन दोनों का गुणा करने पर ये वाली संख्या आनी चाहिए, तो छः एकम छः, ये भी आ रहा है, तो ये भी क्लियर हो गया। इस दो के बाद काय का चिन्ह है, प्लस का, तो यहाँ प्लस लगा, यहाँ पर भी अंडर रूट लगा, तो यहाँ पर भी अंडर रूट लगा दो। फाइनली यही है इस पूरे क्वेश्चन का अंडर रूट या स्क्वायर रूट निकालना, कितना करनी, छः प्लस एक, क्या ये चीज़ क्लियर हो पा रही है? तो यहाँ तक हम सारी चीज़ें समझ चुके हैं, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और थोड़ा इसको मिटाऊं। तो इसका अगर आप नोट्स बना लेते तो बड़े बड़े क्वेश्चनों में इसे कैसे अप्लाई करते हैं वो सारी चीज़ें भी आप सीख पाओगे, और इसका फायदा आपको, इसका जो बेनिफिट है आपको बहुत बड़े क्वेश्चनों में एक बड़े स्तर में आपको मिलने वाला है। एक क्वेश्चन अगर मैं यहाँ लिख दूँ यार, छोटा सा एक क्वेश्चन की 10 प्लस 2 अंडर रूट 21, इसका आंसर क्या आ रहा होगा, ठीक है, तो जो भी आंसर आ रहा होगा बिल्कुल आ चुका होगा आपका। 10 को दो भागों में तोड़ना आप सीख चुके हैं, तो 7 और 3। मैं एक चीज़ छोटी सी चीज़ नोटिस कराना भूल गया आपको कि हमेशा जब इस संख्या को तोड़ते हैं ना, इस नंबर को, तो जो बड़ा नंबर है वो पहले, छोटा नंबर उसको बाद में लिखना होता है। फिर से सुन लो कि जब इस संख्या को, यहां जो भी था पहले क्वेश्चन में शायद 5 था, सेकंड क्वेश्चन में 7 था, और तीसरे क्वेश्चन में यहाँ 10 है, जब भी इसे तोड़ते हैं ना तो बड़ी संख्या पहले छोटी संख्या बाद में लिखते हैं, आप समझ चुके होंगे। तो 10 को हमने तोड़ा, 7 और 3 10, 7 का 3 में गुणा करेंगे तो 21 आ गया है, तो बिल्कुल सही है। अब यहाँ 2 के सामने चिन्ह प्लस का, तो यहाँ प्लस लगाओ, यहाँ भी अंडर रूट, यहाँ भी अंडर रूट, यही है हमारा क्या आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, अगर मैं यहाँ क्वेश्चन लिख दूँ यार कि 14 प्लस 2 अंडर रूट 33 हो जाएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, तो सॉरी हाँ सही है, 14 प्लस 2 अंडर रूट 3, इसका आंसर निकालना है, मतलब इसे सॉल्व करना है। तो करोगे क्या, 14 को दो भागों में तोड़ दोगे, 11 और 3, तो 11 और 3 14, 11 3 33, ये दो भी है, दो के सामने प्लस, तो यहाँ प्लस लगा है, यहाँ अंडर रूट, यहाँ अंडर रूट, ये आंसर आ चुका है। तो फाइनली जो चीज़ मैं आपको सिखाना चाह रहा था ये आप सीख चुके हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब देखो यार कैसे होगा, धीरे धीरे इसमें चीज़ें चेंज होती रहेगी पर आंसर सेकेंडों में आते रहेंगे। यहाँ मैं एक चीज़ में परिवर्तन करना चाह रहा हूँ कि जहाँ अब प्लस था वहाँ हम करना चाह रहे हैं माइनस। कहने का मतलब ये है कि यहाँ हम लिख दें 8 प्लस 2 करनी, ठीक है, यहाँ कर देते हैं 15, यहाँ माइनस। ये क्वेश्चन है अपना अगला कि करनी के अंदर 8 माइनस 2 करनी 15 है और इसे सॉल्व करना है। तो सॉल्व करना मतलब हम कर क्या रहे, इसे सॉल्व करके वर्ग मूल निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं। स्क्वायर रूट निकालें तो सेम थिंग जो अभी तक हम कर रहे थे, तो 5 और 3 कितना होगा, 5 और 3 8, 5 3 15, 2 के बाद क्या है, पहले क्या है माइनस, तो यहाँ माइनस, यहाँ भी अंडर रूट, यहाँ भी अंडर रूट, यही होगा क्या आंसर। तो आप समझ पाए। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, अगर मैं क्वेश्चन यहाँ ले लूँ यार कि 13 ले लेते हैं, ठीक है, और -2 अंडर रूट 30 ले लेते हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा, तो आंसर आप समझ चुके होंगे, 13 को दो भागों में डिवाइड करना है। इसको डिवाइड करोगे 10 और किस में, 3 में करोगे, तो 10 प्लस 3 हो जाएगा 13 और 10 3 30 हो जाएगा इतना। अब इस 2 के पहले माइनस है, तो यहाँ माइनस, यहाँ भी अंडर रूट, यहाँ भी अंडर रूट, तो ये फाइनली यही हो जाएगा क्या आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक और देख लेते हैं क्वेश्चन यहाँ कि अगर मैं क्वेश्चन आपको लिख दूँ कि यार 15 यहाँ दिया है और -2 अंडर रूट यहाँ दिया है 14, तो यहाँ पर 15 प्लस 2 करनी 14 और पूरे करनी के अंदर है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, तो यार आप समझ चुके होंगे, यह जाएगा 14, यह जाएगा 1 14 और 1 आ जाएगा 15, 14 एकम 14, 2 के सामने क्या है माइनस, तो यहाँ माइनस, यह अंडर रूट और यहाँ अंडर रूट, यही होगा आंसर। परंतु एक चीज़ यहाँ पर नोट करने की, अगर स्क्वायर रूट से कुछ बाहर निकाला जा सकता है तो उसे निकालना है, तो करनी 14 माइनस 1 होगा, क्योंकि
अंडर रूट एक का बाहर आ जाएगा एक, तो फाइनली ये है हमारा आंसर। तो यहाँ तक आप सारी चीजें समझे। अब देखो थोड़ा सा लेवल अगर यहाँ मैं बढ़ाऊँ तो किस प्रकार बढ़ेगा, तो इसे मुझे मिटा देना चाहिए। यहाँ पर थोड़ा सा अगर इस क्वेश्चन को बढ़ा के पूछे तो यहाँ हम ये बोल सकते हैं कि इसको तीन लेवल, दो लेवल और क्वेश्चन का मैं बढ़ा देता हूँ, जो कि आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। बाकी जो बची चीज़ें होगी वह हम अगले लेक्चर में देखेंगे, पर कम से कम दो लेवल और देखो इसके आगे के, जो कि आपको यूजेबल हो सकता है। इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन हो जाएगा कि मैं अगर लिख दूँ 5 + 24, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। 5 प्लस करने के अंदर 24 आ रहा है, पर यार एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा और चेंज करना चाह रहा हूं। हम इसको लिख देते हैं 6 6 6 30, ठीक है चलो 24 लिख देते हैं। ये क्वेश्चन हो गया हमारा कि अंडर रूट 5 प्लस करने के अंदर कितना जाएगा 24। ये क्वेश्चन दिया और इसका भी वही करना, क्या वर्गमूल निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। करोगे क्या यार, अभी तक हमने जितने क्वेश्चन देखे गए एक छोटी सी चीज नोटिस की होगी, तो यहाँ पर हमेशा 2 होता था, या तो प्लस के क्वेश्चन हो या माइनस के क्वेश्चन हो, इसका मतलब 2 नहीं है। और 2 नहीं है तो क्या इसके अंदर से 2 बाहर आ सकता है, उस पर पहले फोकस करना है। तो अगली स्टेप अगर मैं यहाँ लिखूँ तो यार एक स्टेप बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि मैं सिखा रहा हूँ आपको 5 प्लस, इसको हम लिख सकते हैं कितना, इसको लिख सकते हैं 4 × 6, 4 में 6 का गुणा करेंगे कि 24 आएगा, बिल्कुल हाँ आएगा। आगे अगर हम यहाँ बढ़े तो अगली स्टेप में क्या मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, 5 प्लस 4 को मैं बाहर निकालूं तो कितना आएगा, 2 बाहर आएगा। ये चीज़ आप समझते हैं और समझदार है भी, कि 4 जब बाहर आएगा तो अंडर रूट 4 क्या बाहर आता है 2, और अंडर रूट में अभी भी कितना बच गया 6। तो फाइनली अगर इसे ध्यान से देखें तो ये पहले क्वेश्चन जैसा बन चुका है, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार हमें दिया है और फाइनली सॉल्व करते करते आए तो ये पहले क्वेश्चन जैसा बन गया। अब इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ 2 होता था, 2 मिल चुका है मुझे, तो 5 को मैं लिख सकता हूँ 3 और 2, 3 प्लस 2 5, 3 टू द 6, तो यहाँ भी अंडर रूट लगा दो, यहाँ भी अंडर रूट लगा दो, इस 2 के बाहर क्या है प्लस, तो ये होगा फाइनली क्या आंसर। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये हो जाएगा, ठीक है, अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 40, इसको सॉल्व करना है। तो एक छोटी सी चीज हमेशा और हमेशा ये नोटिस करनी है यार, कि ये तो 7 है, अगर ये अंडर रूट लिखा हुआ है, क्या यहां से यहां हमेशा 2 की जरूरत होती है, ठीक है, तो क्या 2 बाहर आ सकता है, तो बिल्कुल हाँ आ सकता है इसे अगर लाया जाए तो। तो अगली स्टेप अगर हम सॉल्व करें तो ऐसा कुछ लिख सकते हैं, 7 प्लस अंडर रूट 4 प्लस 10, तो बिल्कुल यहां तक तो चीजें समझ पा रहे हैं आपकी, 10 4 आता है 40। अगली स्टेप अगर हम सॉल्व करेंगे तो 7 तो 7 रहेगा प्लस 4 किसका स्क्वायर है 2 का, तो बाहर क्या जाएगा 2 आ जाएगा। अभी भी अंडर रूट में कितना बच गया 10 बच चुका है। अब तो यार ये फाइनली पहले जैसा क्वेश्चन हो चुका है, 7 को मैं लिख सकता हूँ कितना 5, और इसको लिख सकता हूँ 2, 5 प्लस 2 कितना 7, और 5 टू द 10, 5 × 2 = 10, 5 × 2 = 7, यहाँ 2 भी है और 2 के पहले क्या है प्लस, तो यहाँ जाएगा प्लस, यहाँ भी अंडर रूट, यहाँ पर भी अंडर रूट, फाइनली यही होगा क्या हमारा आंसर। तो ये जो 2 क्वेश्चन मैंने सिखाए ये आप सीख पा रहे होंगे, ठीक है, एक छोटा सा लेवल आगे मैं बढ़ा देता हूँ, सिर्फ 2 क्वेश्चन करेंगे। यहाँ तक आप इतना पेशेंस रखा है, थोड़ा सा पेशेंस और रख लीजिए। एक चीज़ और मैं शब्दों में ही बता दूँ, वही चीज़ें आप अगर याद रख लो तो ज़्यादा अच्छी बात है। जिस प्रकार से ये प्लस के क्वेश्चन बन रहे हैं ना, उसी प्रकार से माइनस के भी क्वेश्चन बन जाते हैं। मतलब कुछ नहीं यहाँ पर आ जाएगा क्या माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा, सॉल्व करते करते आओगे तो क्या माइनस, अगर मैं यहाँ लिख दूँ माइनस तो सॉल्व करते आओगे तो क्या जाएगा माइनस। कहने का मतलब कि जिस प्रकार से ये प्लस के क्वेश्चन आपके सामने आए हैं उसी प्रकार से माइनस के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, परंतु यहां पर एक छोटा सा लेवल क्या बढ़ सकता है उस चीज को देखो। अब अगर कंडीशन ऐसी हो जाए, ठीक है, तो कंडीशन थोड़ी सी बदलने वाली है और हम इसका डिटेल भी डिस्कस कर सकते थे, ऐसी बात नहीं है कि ये सारी चीजें हो कहां से रही है वो डिस्कस नहीं कर रहे हैं, परंतु कंडीशन ऐसी कि हमें कम समय में आपका सिलेबस भी कराना है, सारी चीजें भी कंप्लीट करानी है, इसलिए हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जितना कम समय हो, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा हो, नंबर ऑफ टाइप ज्यादा हो, उतनी कोशिश पूरी कर रहे हैं। तो यार लास्ट 2 क्वेश्चन आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, वो चीज़ें आपको देखनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से होगा, 5 प्लस करनी में जाएगा 21,
ये क्वेश्चन आपको पेपर में दे रखा हो और ये बोलेगा कि आप इसका क्या ज्ञात करो, वर्गमूल ज्ञात करो, ठीक है, स्क्वायर रूट निकालिए किसका, 5 प्लस अंडर रूट 21, वो खुद भी अपने आप में अंडर रूट में है, तो इसको सॉल्व करना है, तो यार ये हो जाता है काफ़ी बड़ा टास्क, ठीक है, अगर जो नॉर्मल स्टूडेंट है और अगर हम ये बोल सकते हैं कि ज़्यादा नहीं पढ़ा है उसने, वो एलजेब्रा ज़्यादा नहीं जानता है, घातांक गणना ज़्यादा नहीं जानता है, तो वो इसे नहीं कर पाता। अब देखो यार छोटी सी अप्रोच लगाना, क्या यहाँ से दो बाहर निकाला जा सकता, तो यार 21 तो टूटेगा ही नहीं, क्योंकि 21 एक है दो अभाज्य संख्या का गुणा होने से बनी है, क्योंकि 7 × 3 ना 7 बाहर आ सकता ना 3 बाहर आ सकता है। अब क्या करें, तो यहाँ पर एक छोटा सा काम करना है। अब क्या काम करना है वो देखो, मैं थोड़ी सी चीज़ की अगर आपसे बात करूँ कि ये क्या लिखा है, तो सबके माइंड में आ रहा होगा कि जो लिखा हुआ ये 5 है। अब यहाँ पर अगर मैं ऐसा कुछ करूँ कि 2/2 का गुणा कर दूँ, तो अभी ये क्या लिखा है, ठीक है, तो पहले ये था कितना 5, फिर मैंने क्या करा उसी 5 में 2/2 का गुणा कर दिया, तो आप यहाँ पर ये बोल रहे होंगे कि अभी भी ये 5 है, क्योंकि 2 से तो 2 कट जाएगा, कोई चेंज नहीं है, नो चेंज। आगे मैं एक स्टेप और बढ़ा दूं कि 5 × 2/2 कर दूं और उसमें कर दूं कि 7/7 का और गुणा कर दूं, तो फाइनली ये फर्स्ट नंबर, ये सेकेंड नंबर और ये थर्ड नंबर, क्या इनमें कोई चेंज है, ठीक है, तो यहाँ पर नो चेंज, कोई चेंज नहीं है। और कोई चेंज नहीं है इसका ये मतलब है कि यहाँ पर हमने क्या करा कि पहले तो हमें 5 दिया था, फिर हमने 2/2 का गुणा करा, ठीक है, 2/2, मतलब 2 और 2 का आंसर हर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करा, तो फाइनली 2 से 2 कट जाएगा, अभी भी ये 5 है। फिर से हमने 7 और 7 का मल्टीप्लाई करा, अभी भी ये 5 है। तो यहाँ से कहने का ये मतलब है कि जब डिनोमिनेटर में अगर एक ही नंबर का, एक ही प्रकार का या सेम नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं, तो उस संख्या में कोई चेंज नहीं आता है। तो मैंने जो थ्योरी बोली और ये जो समझाने की कोशिश किया, आप इस चीज़ को समझ चुके होंगे। तो अब इस क्वेश्चन पे आइए कि हमें क्वेश्चन दे रखा है कि √5 + √21 और इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो हम करेंगे क्या, एक स्टेप पर ध्यान जरूर देना, मैं इसमें कर दूं, यहाँ कोष्टक लगा देता हूँ, ठीक है, ब्रैकेट लगा देता हूँ, यदि मैं इसमें 2/2 का मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, ये एक क्वेश्चन कर रहे हैं इसलिए हम इसे थोड़ा एक स्टेप कर रहे हैं, अदरवाइज ये एक स्टेप का भी क्वेश्चन है, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि मैं इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, तो अगली स्टेप तो ये बन रही होगी, 5 × 2 = 10, 2 × 5 = 10 प्लस 2 का जब यहाँ गुणा होगा तो 2 करने कितना जाएगा 21 आ जाएगा, और पूरे के बटे में अभी भी कितना है 2 है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक स्टेप और आगे मैं अगर बढ़ा दूं, तो मैं ये बोल सकता हूँ यार कि ये वाला जो 2 है क्या ये करणी के अंदर है, ठीक है, तो ये वाला जो 2 है ये खुद करणी के अंदर है, इसका मतलब मैं इसे अलग भी लिख सकता हूँ, अलग लिख सकता हूँ, मीन्स ऐसा कुछ लिख सकते हैं, 10 + 2 √21 / √2, मतलब इस प्रकार से लिखने की मैं बात कर रहा था, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, मतलब हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, तो 1/√2 इधर लिख सकते हैं, हमारे पास ये वैल्यू बची हुई है कितनी, ये वाली वैल्यू बची हुई है, मीन्स हमारे पास बचा हुआ है √10 + 2 √21, ये बचा हुआ है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो पा रही होगी। एक स्टेप और आगे मैं इसे अगर सॉल्व करूँ तो 1/√2 है, ठीक है, इसे अगर मैं सॉल्व करूँ तो देखो यार इस 10 को मैं लिख सकता हूँ 7 और 3, ठीक है, लिख सकता हूँ 7 और 3 कितना 10, 7 या कितना 21, यहाँ 2 भी है यहाँ प्लस भी है, चीज़ें समझ पा रहे होंगे कि 10 है, 7 और 3 = 10, 7 या 21, यहाँ 2 होना चाहिए था वो है, प्लस है, तो यहाँ क्या लगा दूँ, प्लस लगा दूँ, यहाँ भी अंडर रूट, यहाँ भी अंडर रूट, कहने का मतलब कि इस पूरे का सॉल्व ये होगा, तो फाइनली जो हमारा आंसर है, हमारा आंसर आ रहा होगा, ये तो हमारे पास एक्स्ट्रा है कितना 1/√2, पर एक्स्ट्रा फाइनली ये वाला जो पार्ट होकर सॉल्व कितना हुआ, तो √7 + √3, तो फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा 1/√2 कोष्टक के अंदर या ब्रैकेट के अंदर √7 + √3। तो इस क्वेश्चन को कुछ इस प्रकार से सॉल्व करते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद इस लेक्चर में तो इतना ही रहेगा, परंतु अगला क्वेश्चन और देखिए, क्योंकि यार मेरे अनुसार यहां तक तो एक नॉर्मल सी चीजें स्टूडेंट को आनी चाहिए, इसका लेवल और बढ़ता है। हम ये बोल सकते हैं कि मैंने कहावत सुनी है कि कमांडो ये बोलते हैं कि जहाँ पर आप लोगों की रनिंग समाप्त होती है, ख़त्म होती है, हमारी वहाँ से शुरुआत होती है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जहाँ पर ये मैंने ग्रुप डी लेवल या ये बोल सकते हैं कि जेल प्रहरी एमपी पुलिस एमपी एसआई जो छोटे छोटे एग्जाम है, ठीक है, व्यापम के, इनका लेवल जहाँ पर ख़त्म होता है वहाँ पर एसएससी मेंस का सिलेबस शुरू होता है, तो ये स्टार्टिंग पोर्शन है एसएससी के लिए, मेंस की बात कर रहे हैं ना, ठीक है, CDS वगैरह के लिए, क्लैट वगैरह के लिए, तो ये एक स्टार्टिंग पॉइंट भी है, और हम ये बोल सकते हैं कि छोटे एग्जामों के लिए ये लास्ट पॉइंट है, तो यार हम छोटे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें इतना ही पढ़ना है जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, मतलब इतना लेवल लास्ट होगा आपको, मार्केट की हर पुस्तक का हर क्वेश्चन बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन और यहाँ ले लेते हैं यार, 7 + - वाला ले लेता हूँ मैं, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा
काम करते हैं 33, ये क्वेश्चन दिया है और इसे सॉल्व करना है। सबसे पहला कंसेप्ट वही लगाना है आपको कि यार मैं 33 को 11 गुणा 3 लिख सकता हूँ, ना ही 11 बाहर आ सकता है ना 33 कितना 3 बाहर आ सकता है, पर यहाँ 2 चाहिए मुझे, यहाँ पर 2 चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 2/2 का गुणा करना पड़ेगा। तो जो ये क्वेश्चन दे रखा है, अगली स्टेप क्या रही होगी, जब 2/2 का गुणा करेंगे तो 7 × 2 कितना हो जाएगा 14, माइनस 2 करने कितना हो जाएगा 33, और बटे में कितना जाएगा 2। क्या ये चीज़ समझ पा रहे हैं आप? तो बिल्कुल हाँ, चीज़ें समझना है आपको, क्योंकि 2 का गुणा करा तो 7 × 2 = 14, और यहाँ पर आ जाएगा 2 और बटे में आ जाएगा 2। इस बटे का जो 2 हमने अभी एक लास्ट स्टेप सॉल्व करी थी तो वहाँ पर √1/√2 बाहर रह गया था, यहाँ पर बचा 14, और 14 को मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, कितना 11 और 3, तो 11 और 3 कितना हो जाएगा 14, 11 + 3 कितना हो जाएगा 33, यहाँ 2 भी है, 2 के सामने माइनस का चिन्ह है तो यहाँ माइनस, और यहाँ भी अंडर रूट, यहाँ भी अंडर रूट। फाइनली ये जो पार्ट है अंश का, इस पार्ट का कैलकुलेशन सॉल्व होगा तो इतना आएगा, बटे का तो मैंने अलग से लिख दिया, तो फाइनली इसका जो सॉल्यूशन है वो इतना है, तो √11 माइनस √3 है, तो फाइनली ये होगा राइट आंसर। ठीक है, तो यार आज के लेक्चर में तो इतना ही, पर अगले लेक्चर में मिलने से पहले, लेक्चर अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दो, शेयर कर दो, फर्स्ट टाइम आए तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, पिछले जो लेक्चर आप उन्हें भी देखिए, क्योंकि वहाँ आप देखोगे तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट मजबूत होते जाएगा, चीज़ें आपको बनते जाएगी। ठीक है, और आप ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए जिसका फायदा आपको डेफिनेटली मिलेगा। अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।